तो इस एप्लीकेशन का नाम है वर्कबेंच, जो कि आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, टोन सेक्शन में जाना है, ब्राइट पियानो वाले टोन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो स्केल है आपको C4 से लेके E5 तक का जो स्केल है सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि 2 काले बटन, 3 काले बटन और 2 काले बटन यहाँ पर आगे पीछे हो जाता है, आप कर लेना। अभी हमारा जो स्टार्टिंग में म्यूजिक प्ले होता है गाने का, अभी आपको कैसे प्ले करना है, ठीक है। अभी आपको सिंपली लेफ्ट हैंड की फर्स्ट उंगली ले लेनी है और जो हमारा राइट हैंड है उसकी फर्स्ट फिंगर। तो क्या करना है आपको, जो यहाँ पर एफ शार्प है, ठीक है, इसको लगातार प्रेस करते जाना है 2-2 बार और यहाँ पर चेंज करना है राइट हैंड से, यहाँ पर नोट्स को चेंज करना है। कैसे, अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देते जाएंगे इसके नोटेशन, जैसे कि एफ शार्प 2 बार और अगेन आपको यहाँ पर नोट्स को चेंज करना है। कैसे, ठीक है। अभी इसके बाद वाला म्यूजिक देखेंगे इसको नोटेशन के साथ में, अभी इसके बाद में ये कैसे, नेक्स्ट ये कैसे, और अभी लास्ट वाला कैसे। ठीक है, अभी इसके बाद में म्यूजिक, देखेंगे इसको स्लो में कैसे प्ले करना है, ठीक है। कैसे, नेक्स्ट वाला, ये कैसे, यहाँ पर जो काले बटन है ना इसको हम शार्प नोट कहते हैं, यानी कि अगर एफ है तो एफ के आगे हम हैशटैग लगाएंगे तो एफ शार्प हो जाएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि हमारा जो सी शार्प और डी शार्प है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, सी शार्प और डी शार्प को सी शार्प डी शार्प लिखेंगे और ऊपर वाला अगर सी शार्प डी शार्प है तो उसके आगे हम 5 लगा देंगे, यानी कि ये जो स्केल आपको दिख रहा है ना C5 D5 ये वाला स्केल हम लगा देंगे, ठीक है। अभी आपको जो हमारे गाने की पहली लाइन है सिंपली हाई वाले नोट से स्टार्ट, यानी कि सी शार्प 5 से हमारे जो गाने की लाइनें शुरू हो रही है, काफी बढ़िया। कैसे, जीता था जिसके लिए, देखेंगे इसको स्लो में, काफी बढ़िया। जीता था जिसके लिए, अभी नेक्स्ट लाइन, जिसके लिए मैं मरता था, जिसके लिए मरता था, ये कैसे, अभी इसके बाद में, एक दिन ऐसी लड़की थी, दोनों लाइनों को मिला करके देखेंगे नोटेशन के साथ, एक दिन ऐसी लड़की थी, जिसे मैं प्यार करता था, ये कैसे, जिसे मैं
प्यार करता था। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक आ गया होगा। अभी इसके बाद में इसका अंत रहेगा, ठीक है। सो अंत रहा कैसे, कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे। तो मैं एक एक लाइन को देखना है, ठीक है। सो फर्स्ट में कितनी मोहब्बत, पहले इसको देखेंगे कितनी मोहब्बत। अभी नेक्स्ट है मेरे दिल में, ये कैसे, सेम टू सेम। इसके बाद में कैसे बताऊं उसे, ये कैसे। कैसे बताऊं उसे, ठीक है। अभी इसके बाद में सेम टू सेम पार्ट, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, ठीक है। तो आपको सेम टू सेम पार्ट जो है यहाँ पर रिपीट कर लेना है, फिर भी एक बार देख लेंगे नोटेशन के साथ। सो फर्स्ट लाइन, कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, हाँ कैसे बताऊं उसे, ये कैसे, हाँ कैसे बताऊं उसे। अभी इसके बाद में दीवानगी ने, पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, हाँ कैसे दिखाऊं उसे। अब इसके बाद में फिर से वही रिपीट, एक दिन ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, हो एक दिन ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। अभी आप इस अलग अलग टोन में इसको प्ले कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया प्ले होता है ये गाना। अभी हमारा जो गाने का अगला वाला पार्ट है, यानी कि अगला वाला अंतरा, सेम टू सेम इसी प्रकार से प्ले होगा। यहाँ पर कई अलग अलग टोन से, जैसे कि वायलिन वाली, स्ट्रिंग वाली, अभी आपको और अगर साइलेंट टोन यहाँ पर चाहिए तो म्यूजिक बॉक्स वाली, कई सारे अलग अलग टोन्स आप जिसका यहाँ पर यूज कर सकते हो। काफी बढ़िया, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि मोबाइल पियानो से रिलेटेड कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर मिलता है। इसलिए